Now let us come across a question on state machines. So we have the very first question is, derive state table and state diagram for the given model. Okay, so it is also called as an analysis part of the Mealy model or Moore model. So यहाँ पर हमें derive करना है state table और इसका state diagram. So whenever we will get a question like this, the very first step we have to do is identify which type of model it is. It may be Mealy or Moore model. तो यहाँ पर हम लिखेंगे first step, type of circuit. अब अगर मुझे identify करना है कि ये Mealy और Moore model है, तो distinguishing point आ जाएगा output के ऊपर. तो सबसे पहले हम फेच करेंगे आउटपुट का इक्वेशन. देखिए z जो है वो आउटपुट है, तो इसको हम लिखेंगे z ऑफ t इज इक्वल टू, या फिर z भी लिखेंगे तो भी चलेगा, z इज इक्वल टू. अब देखिए इसका जो इट इज़ एन OR गेट, और इसका जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस लाइन को हम ट्रेस करेंगे, सो इट इज़ कनेक्टेड विथ y1, तो ये है y1 प्लस सेकेंड इनपुट. अगर मैं यहाँ से ट्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पर कनेक्ट है और ये कनेक्ट है इनपुट को, यानी कि इट इज़ कनेक्टेड विथ x, तो ये आ जाएगा x प्लस. नाउ इफ यू ट्रेस दिस लाइन थर्ड, ये कनेक्ट है y2 से, ये कनेक्ट नहीं है, इट इज़ कनेक्टेड विथ y2, तो इट इज़ इक्वल्स टू y2, यानी कि इसको हम री राइट करेंगे x प्लस y1 प्लस y2. नाउ वी नो द डेफिनेशन ऑफ Mealy मॉडल और मूर मॉडल. इफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट, इट इज कॉल्ड एज Mealy सर्किट, एंड इफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट ओनली, इट इज कॉल्ड एज द मूर मॉडल. अब इस टाइप के सर्किट्स पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इनपुट क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्या है, और नेक्स्ट स्टेट क्या आ सकता है. सो हियर आई विल बी राइटिंग इनपुट. तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इनपुट तो आ जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स, यानी कि हमारा प्रेजेंट इनपुट. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स एज डी वन डी टू, तो साइमल्टेनियसली हम उसको भी कह सकते हैं डी वन और डी टू, लेकिन हमारा प्रेजेंट इनपुट क्या आ जाएगा एक्स. सेकेंड स्टेट्स के अक्रॉस चलते हैं. अब देखिए ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका प्रेजेंट इनपुट डी वन है, तो इसका स्टेट है वाई वन, वाई वन बार. सो इफ आई राइट प्रेजेंट स्टेट, तो एक तो आ जाएगा स्मॉल वाई वन, या फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट क्या आ जाएगा स्मॉल वाई टू या फिर स्मॉल वाई टू बार, तो हम इसको लिखेंगे वाई टू. सो प्रेजेंट इनपुट एक्स, प्रेजेंट स्टेट है वाई वन वाई टू, और इसके बिहाफ पे हमें फेच करना है नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट को हम कंसिडर करेंगे कैपिटल वाई वन कैपिटल वाई टू. ओके, रिमेंबर इनपुट इज एक्स जो यहाँ से अप्लाइड है, प्रेजेंट स्टेट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का एक तो वाई वन या फिर वाई वन बार, हम नॉर्मली जो नॉर्मल आउटपुट है उसको कंसिडर करते y1, और दूसरा है y2, एंड फ्रॉम दैट वी विल फेच नेक्स्ट स्टेट एज y1 एंड y2. अब देखिए आउटपुट कहाँ पर डिपेंड है, इनपुट x, स्टेट्स y1 एंड y2, दैट मीन्स इन केस ऑफ दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट. ओके, तो डेफिनेटली ये वाला सर्किट हो जाएगा हमारा Mealy सर्किट, या फिर हम उसको कहेंगे Mealy मॉडल. ओके, दिस विल बी आर फर्स्ट स्टेप. नाउ इन सेकंड स्टेप वी लुक आफ्टर हाउ टू ड्रॉ द स्टेट टेबल, हाउ टू ड्रॉ द स्टेट टेबल, क्योंकि हमें स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है. तो स्टेट टेबल की अगर हम बात करते हैं, तो हमें फर्स्ट कॉलम में चाहिए होता है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट स्टेट, और फाइनली हम यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट. अब हमें प्रेजेंट स्टेट तो मालूम है, इट इज़ y1 एंड y2, y1 और y2, और नेक्स्ट स्टेट हमने लिया है कैपिटल y1 और कैपिटल y2, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कैपिटल y1 और y2 का वैल्यूज़ क्या आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट का तो दो कॉम्बिनेशन है y1 y2, तो ये तो आ जाएगा 0 0 0 1 1 0, या फिर आ जाएगा 1 1, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैपिटल वाई वन एंड कैपिटल वाई टू. एंड टू फेच दिस वट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस. नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन किसका हम यूज़ करेंगे, तो हमें नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन यूज़ करना है एक तो डी वन और डी टू का, यानी कि हमें यूज़ करना है डी फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन. तो सेकेंड स्टेट में हम लिखेंगे
नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे फर्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप का, वो होता है Qn+1 = D। ये तो हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑल्सो। सो Qn+1 होता है नेक्स्ट स्टेट, विच इज इक्वल टू क्या आता है D1। तो हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकेंड वाला, तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट स्टेट देखिए क्या है हमारे पास, कैपिटल Y1। विल राइट कैपिटल Y1 इज इक्वल टू D1। सिमिलरली फॉर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप कैपिटल Y2 विल बी इक्वल टू D2। आप देख सकते हैं स्मॉल Y2 प्रेजेंट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आता है कैपिटल Y2। कैपिटल Y2 डिपेंड किसके ऊपर होगा, D2 के ऊपर। तो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब हम चलते हैं कि D1 के अक्रॉस इनपुट क्या है। तो देखिए D1 एक और गेट से कनेक्ट है और इसका जो फर्स्ट इनपुट है ये इस एंड गेट से आ रहा है। अब आप इस एंड गेट को अगर हम देखते हैं तो इसका एक इनपुट X है, फिर एज सेकेंड इनपुट देखिए ये लाइन में ट्रेस करता हूँ तो ये कनेक्ट है Y1 से, तो ये आ जाएगा X into Y1। फिर एज इस एंड गेट की अगर हम बात करते तो देखिए ये लाइन यहाँ पर कनेक्ट है तो ये इनपुट X आ जाएगा, और ये वाला लाइन सेकेंड इनपुट अगर हम ट्रेस आउट करते तो ये कनेक्ट है Y2 से, ये है Y2, तो ये आ जाएगा X into Y2, small Y1 small Y2। और D1 इन दोनों का एडिशन है, तो ये इक्वेशन देखिए Y1 इज इक्वल टू द D1 विच इज इक्वल टू X into small Y1 + X into small Y2। ये इक्वेशन हमारा नेक्स्ट स्टेट फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली विल गो फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप, Y2 इज इक्वल टू D2। अब D2 की तरफ चलते हैं, देखिए D2 को हमने एक एंड गेट से कनेक्ट किया है और इस एंड गेट का एक इनपुट है Y1 बार, तो दूसरा अगर हम इस लाइन को ट्रेस आउट करेंगे तो ये कनेक्ट है X से, तो इसको हम लिखेंगे X into Y1 बार। ये तो आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन कैपिटल Y1 कैपिटल Y2। आई होप यू आर गेटिंग इट। हमने क्या किया, सबसे पहले टाइप ऑफ सर्किट आइडेंटिफाई किया है बाय टेकिंग द आउटपुट टर्म, और सेकंडली हमने जो दो फ्लिप फ्लॉप्स है उसका नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फेच आउट किया है। अब इन तीन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, एक तो आउटपुट ये और इसका, और हम फेच करेंगे स्टेट टेबल को। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं टू ड्रॉ द स्टेट टेबल। अब देखिए स्टेट टेबल में एज यूजुअल हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट स्टेट small Y1 small Y2, नेक्स्ट स्टेट व्हेन इनपुट 0 और व्हेन इनपुट 1 के समय पर है Y1 Y2 Y1 Y2, ये नेक्स्ट स्टेट कैपिटल में लिखा है, और आउटपुट भी व्हेन इनपुट 0 और व्हेन इनपुट 1 के समय पर। सो ये तो हो गया हमारा स्टेट टेबल। अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट के लिए। देखिए हमारे पास दो प्रेजेंट स्टेट है, तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 0 0 1 1 0, या फिर इट विल बी 1 और 1 हो सकता है, तो ये हमने लिख लिया 0 0 1 1 0 1। अब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे और फेच करेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट के लिए अभी जो हमने इक्वेशंस फेच आउट किए थे वो हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये था हमारा इक्वेशन कैपिटल Y1 XY1 + XY2, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे X small Y1 X small Y2, कैपिटल Y2 था X into Y1 बार, और जो आउटपुट का भी इक्वेशन था वो भी हम लिखेंगे, ये वाला आउटपुट का था सेट एज X + Y1 + Y2। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0। सो इन फर्स्ट केस यू कैन सी इट हियर 0 0, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल Y1 व्हेन इनपुट इज 0। तो देखिए इसके लिए इस वाले इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल Y1 0 Y2 is 0। ठीक है, अब देखिए इस वाले इक्वेशन में हम X कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा X into small Y1 + small Y2। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि X का वैल्यू 0 है, तो मैं X का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 लिखता हूँ
सो जीरो इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा, जीरो, यानी हमें वाई वन और वाई टू भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वी आर मल्टीप्लाइंग विद जीरो, तो ये वाला जो कॉलम है वाई वन का वो डेफिनेटली सभी कॉम्बिनेशन के लिए क्या आ सकता है, जीरो, वेन एक्स इज जीरो के समय पर। सिमिलरली वेन आई गो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, ये वाला हम पेश करेंगे कैपिटल वाई वन, विल राइट इट हियर वेन एक्स इज वन, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, वन इंटू क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू, सो इट इज एज गुड एज वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है, यानी कि एक्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, देखिए ये जीरो है, दोनों जीरो है, सो जीरो प्लस जीरो आ जाएगा जीरो, यहाँ पर देखिए जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन आ जाएगा वन, यस, और गेट का प्रॉपर्टी जीरो वन वन और वन भी आ जाएगा, ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली विल गो फॉर वाई टू, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए सर वाई टू भी, देखिए क्या है, वाई टू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई वन बार दिया है। अब फर्स्ट केस के लिए एक्स जीरो है, यहाँ पर हम लिखेंगे वेन एक्स इज जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो इंटू वाई वन बार, दैट इज नथिंग बट जीरो, दैट मीन्स विल गेट ऑल वाई टू टर्म्स एज जीरो इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज वाई टू और व्हाट इज वाई वन, दैट ऑल टर्म्स आर गोइंग टू बी जीरो। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म वेन एक्स इज वन। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, देखिए एक्स वन है तो ये आ जाएगा वन इंटू वाई वन बार, यानी क्या होता है ये वाई वन बार, तो हमें जो भी वाई वन का टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए वाई वन जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वन, यहाँ पर भी जीरो है तो ये आ जाएगा वन, दिस इज वन, ये जीरो आ जाएगा, ये वन है तो ये आ जाएगा जीरो, सो यू गॉट जीरो वन 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 जीरो और वन जीरो। सो इस प्रकार से हमने नेक्स्ट स्टेट इनपुट जीरो और इनपुट वन के लिए फेच किया है। आई होप यू अंडरस्टूड, अगर समझ में नहीं आता है तो सिंपली ये सभी वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस यानी लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए जितना मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो सकता है उतना हम यूज़ करेंगे। फाइनल टर्म के लिए चलते हैं आउटपुट, देखिए जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई वन प्लस वाई टू, फर्स्ट केस के लिए एक्स जीरो है, सो विल राइट इट हियर व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो जेड बिकम्स जीरो प्लस y1 plus y2, that is nothing but y1 plus y2, ठीक है, यानी ये डिपेंड हो जाएगा y1 plus y2 के ऊपर। देखिए यहाँ पर 0 plus 0 है तो 0 आ जाएगा, इस वाले कॉम्बिनेशन 0 और 1 है तो 0 plus 1 1 आ जाएगा, 1 plus 0 1 और 1 plus 1 कितना होता है 1, ठीक है, आप यहाँ पर भी सकते हैं 0 plus 0 0 0 plus 1 like this one, ये तो हो गया x 0 के लिए। Now let's go for second case, x is 1, z is equal to 1 plus y1 plus y2 के लिए चलते हैं। So let's start with first combination, first combination में y1 और y2 क्या है 0 0, तो यह आ जाएगा 1 plus 0 plus 0 as 1, so this is 1, second combination के लिए देखिए 0 और 1 है तो यहाँ पर 1 लगेंगे, y1 0 है, y2 है 1, वन प्लस जीरो वन होता है और वन प्लस वन होता है वन, तो सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट आ गया वन। नाउ लेट्स गो फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन, वाई वन वन है, देखिए पहले तो हम एक्स लिखेंगे, वन प्लस वाई वन है वन और वाई टू है ज़ीरो, वन प्लस वन वन प्लस वन, तो ये जाएगा वन, मीन्स अगेन वील गेट वन, एंड इन लास्ट केस वेन बोथ द इनपुट्स आर वन वन, वन प्लस वन प्लस वन इट विल बी वन, वन प्लस वन वन होता है, अगेन वन प्लस वन क्या होता है वन, तो इस वाले केस में सम और कैरी का कभी भी टर्म नहीं लेना था, ओनली गो फॉर एडिशन और गेट का से, सो वी गॉट वन 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 वन, तो ये तो हो गया हमारा स्टेट टेबल। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर फोर, टू ड्रॉ स्टेट डायग्राम, विल बी ड्रॉइंग द स्टेट डायग्राम। सो लेट स्टार्ट विथ हाउ मेनी स्टेट्स आर दे, देखिए वी आर फोर स्टेट्स, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द जीरो जीरो टर्म,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, ये वाला स्टेट है। अब 0 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखिए 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 0। कब है, व्हेन इनपुट इज 0 और इनपुट 0 के टाइम पे आउटपुट कितना है 0, यानी 0 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, उसको हम फेच आउट करेंगे। देखिए 0 0 नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, सेल्फ लूप उसको हम कहते हैं। कंडीशन व्हेन इनपुट इज 0 एंड आउटपुट इज 0, देखिए इनपुट 0 था आउटपुट भी 0 है, तो इस वाले सर्किट में ये टर्म होता है इनपुट का, तो बॉटम वाला होता है आउटपुट का, सो वी रिटन इनपुट एंड आउटपुट। आ गया नेक्स्ट स्टेप, देखिए 0 0 का नेक्स्ट स्टेट है 0 1, व्हेन इनपुट 1 है और इनपुट 1 के समय पे आउटपुट भी कितना है 1 है, सो 0 0 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1, तो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे 0 0 नेक्स्ट स्टेट इज 0 1। कंडीशन क्या है, देखिए इनपुट 1 है और उस समय पे आउटपुट भी है 1, सो 1 by 1 के लिए 0 1 आ गया। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 1 है, तो उसके लिए चलिए प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 है, देखिए इसका नेक्स्ट स्टेट है 0 0, व्हेन इनपुट इज 0 है और एट द टाइम आउटपुट इज 1, सो लेट्स ड्रॉ दिस 0 1s नेक्स्ट स्टेट इज 0 0। कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन देखिए सर, इनपुट 0 है एंड आउटपुट है 1, तो इसको लिखेंगे 0 by 1, हमने लिखा 0 by 1। अब 0 1 का नेक्स्ट स्टेट इनपुट 1 के टाइम पे है, देखिए 1 1, ओके सो लेट्स ऐड अ न्यू नोड एज 1 1, नाउ विल राइट 0 1s नेक्स्ट स्टेट इज 1 1, व्हेन इनपुट इज 1 और उस समय पे आउटपुट भी कितना है 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 by 1, तो ये आ गया हमारा 0 1 से 1 1 की तरफ। तो 0 1 का दो स्टेट हो गया, देखिए इनपुट 0 के टाइम पे, इनपुट 1 के टाइम पे। अब हमारा प्रेजेंट स्टेट है 1 1, तो 1 0 को स्किप करेंगे और चलेंगे 1 1 की तरफ। देखिए 1 1 का जो नेक्स्ट वाला स्टेट है ये है 0 0। कब है सर, व्हेन द इनपुट इज 0 और आउटपुट कितना है 1 है, सो लेट्स ड्रॉ 1 1s नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, ये वाला, तो इसको हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से, 1 1s नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, प्रोवाइडेड कंडीशन इनपुट 0 और देखिए उस समय पे आउटपुट कितना है 1, सो 0 by 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1 1 का नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखिए सर 1 0 है, व्हेन इनपुट इज 1 और उस टाइम पे आउटपुट भी कितना है 1 है। अब 1 0 तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो हम ऐड करेंगे एक न्यू नोड को एज 1 0, सो दिखाएंगे 1 1s नेक्स्ट स्टेट इज 1 0, व्हेन इनपुट इज 1 एंड आउटपुट इज 1, सो दिस इज 1 by 1। एंड फाइनली अब देखिए वी आर हैविंग प्रेजेंट स्टेट 1 0, प्रेजेंट स्टेट इज 1 0, इट्स नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0, दैट मीन्स 1 0s नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, कंडीशन इनपुट 0 आउटपुट 1, 0 by 1, एंड 1 0s नेक्स्ट स्टेट इज 1 0, व्हेन इनपुट इज 1 और आउटपुट भी कितना है 1 है, तो ये तो सेल्फ लूप में जाएगा, 1 0s नेक्स्ट स्टेट इज 1 0, व्हेन इनपुट इज 1 एंड आउटपुट इज 1, सो दिस विल बी आर स्टेट डायग्राम फॉर द गिवन मिली सिक्वेंशियल सर्किट। सो दिस इज हाउ यू इफ यू प्रैक्टिस इट ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 विल बी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्किट लाइक दिस, स्टेप नंबर 2 राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं उसका, फ्रॉम दैट जो इनपुट दिया है उससे लीजिए। थर्ड, ये दो इक्वेशन के बिहाफ पे वी हैव टू ड्रॉ द स्टेट टेबल, एंड फाइनली फ्रॉम स्टेट टेबल वी कैन ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। सो दिस इज अबाउट आवर मिली सिक्वेंशियल सर्किट। थैंक यू।